दोस्तों बिग बॉस सीज़न 13 का आज यानी कि बुधवार का एपिसोड प्रसारित हुआ, तो बात करते हैं घर के अंदर हुई नॉमिनेशन प्रक्रिया के बारे में और घर में बिना वजह के जो मुद्दे बने आज जिसके ऊपर शेफाली जरीवाला ने अपनी टिप्पणी दी, इस बारे में भी बात करेंगे और पोकिंग के बारे में बात करेंगे कि घर में कौन कैसे किसे पोक करने की कोशिश और साजिशें रच रहा है। बहरहाल घर में था नॉमिनेशन का टास्क, तो नॉमिनेशन के टास्क की ब्रीफ दे देते हैं। आपने एपिसोड देखा ही होगा, तो प्यादे थे, प्यादों को कदम कदम बढ़ाना था, जो तीन कदम बढ़ गया वो सेफ हो गया और घर वालों को बजर बजने पर सभी में से दो लोगों को आना था और बारी बारी प्यादों को आगे बढ़ाना था। तो यहाँ पर आज का जो नॉमिनेशन का जो गेम था, पूरे सीजन के अंदर जितने भी नॉमिनेशन हुए, जितने भी टास्क हुए, उसमें आज जाके लगा कि बिग बॉस के घर में बिग बॉस खेला गया। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनेशन की प्रक्रिया इतनी इंटरेस्टिंग थी, हालांकि प्रक्रिया तो बहुत इजी थी, लेकिन जिस तरीके से दिमाग लगा रही थी दोनों टीमें और जिस तरीके से आसिम रियाज, रश्मि देसाई और विशाल आदित्य सिंह दिमाग लगा गए, मानना पड़ेगा काबिले तारीफ था। कैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला और सेनास को सेफ कर दो। पहला पॉइंट उन्होंने ये निकाला कि दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन हैं, सिद्धार्थ शुक्ला और सेनास, वो किसे बचाना चाहते हैं। तब बचाने पर सवाल उठा कि वो बचाना चाहते हैं विशाल आदित्य सिंह को। अब विशाल आदित्य सिंह को भी तो तीन लोग बचाएंगे तभी वो बचेंगे, यानी आसिम, रश्मि और तीसरा कौन, तीसरा सेनास को उन्होंने एज इन वो ले रखा था कि भाई उसको बचाने की कोशिश करेंगे तब सही हो जाएगा, लेकिन सेनास का क्लियर कट था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को बचाने वाली है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला को वो बचाने वाली थी ही, तो कहीं ना कहीं आसिम के दिमाग में ये सॉर्ट आउट था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के अलावा किसी को भी वोट नहीं देंगी। तब आसिम की प्लानिंग ये थी कि हम तीनों सहनाज को बचाते हैं और ये बाकी ग्रुप वाले सिद्धार्थ को बचा लेंगे। इससे क्या होगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, ये तो वैसे भी बाहर नहीं जाने वाले, तो दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, बाहर नहीं जाने वाले हैं, घर के अंदर वैसे भी रहेंगे, तो इनको सेफ कर दो। अब बचे सारे वीक कंटेस्टेंट। वीक कंटेस्टेंट्स की बात करें तो आसिम वैसे तो स्ट्रांग है, इसके अलावा रश्मि भी काफ़ी स्ट्रांग है और पारस भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन बाकी अगर कंटेस्टेंट की बात करें, शिफाली जरीवाला, आरती सिंह, माहिरा, विशाल आदित्य सिंह, तो ये चार ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि घर में बहुत ढीले डाले हैं। तो विशाल आदित्य सिंह को बचाने के लिए ये गेम रचा गया और ये कोशिश की गई कि आरती, जरी और माहिरा में से कोई एक निकल जाएगा, क्योंकि ये चारों ही नॉमिनेट होंगे तो चांसेस विशाल के बचने के ज़्यादा हो जाते हैं। विशाल की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है और विशाल घर के अंदर हाथ पैर भी अच्छे मार रहे हैं। माहिरा का अगर गेम देखें तो वो पारस के दम पर ही आ रही हैं और माहिरा की वजह से पारस का जो गेम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है और पारस की प्लानिंग प्लॉटिंग तो कहीं नहीं गई, क्योंकि अगर पारस को आपने देखा होगा तो पारस से कोई भी बात हो तो पारस एक ही बात आकर बोलता है कि मुझे तो पता ही था यही करेगी वो, तो मैं तो जवाब देने वाला ही था, इस तरीके से बात करते हैं वो। तो पारस का गेम बहुत गिर चुका है सिर्फ माहिरा की वजह से, तो इस हफ्ते माहिरा भी एविक्ट हो सकती है, क्योंकि ऑडियंस की वोटिंग पर तो डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स पे भी डिपेंड करता ही है कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है, घर में कौन कंटेंट दे रहा है। और सच में विशाल कहीं ना कहीं कंटेंट तो दे ही रहा है, चाहे वो ग्रुप का एक ऐसा हिस्सा बन के खड़ा हो जो कि आप रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एज एन एक वोट काउंट होगा। तो इस तरीके से विशाल आदित्य सिंह जो है घर के अंदर बने हुए हैं। बहरहाल ये सीज़न बहुत अटपटा सा रहा और इस सीज़न के अंदर इतनी सारी चीज़ें हुई। बात करें नॉमिनेशन की प्रक्रिया की, तो अब दो लोग सेफ हो गए और पूरा घर नॉमिनेट हो गया, तो सेफ होने वाले दोनों तो नहीं निकलने वाले बाहर, और वैसे भी अगर वो नॉमिनेट होते तो नहीं निकलते, लेकिन जैसा कि हमने बताया चार बॉटम के कंटेस्टेंट में से जरी भी निकल सकती हैं, क्योंकि जरी वाला कुछ खास कर नहीं रही, जैसा कि उनके पति ने कहा कि बेटे आप बैक फुट पर हो, फ्रंट फुट पर आ जाओ, और उनके पास एक ही चीज़ है अपने आप को दिखाने की, वो है आसिम। हाँ यही करती हैं वो, आसिम करती हैं और आसिम करते हैं शिफाली, तो इन दोनों का ये चलता है, इसी वजह से ये दोनों दिखते नहीं हैं। आसिम का तो फिर भी बहुत कुछ चलता है, लेकिन जरी वाला का कुछ खास चल नहीं रहा, ना माहिरा का चल रहा है। अब बात करें आरती की, तो आरती को जैसे पारस है ना डायरेक्टली माहिरा को बचाते हुए आए ना, तो सिद्धार्थ शुक्ला इनडायरेक्टली आरती को बचाते हुए नज़र आए हमेशा। अगर आप नोटिस करेंगे पूरा गेम, अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं भी
कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि आरती के खिलाफ गया हो सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से, चाहे वो डांटना हो, चाहे वो प्यार से बात करना हो, चाहे वो कुछ भी हो। सिद्धार्थ शुक्ला का आरती से हमेशा ही अच्छा इक्वेशन रहा है और इसी इक्वेशन की वजह से घर के अंदर इन दोनों की बॉन्ड की वजह से ही जो है आरती भी टिकी हुई है और इतना लंबा खेल गई है। बात करें रश्मि की, तो रश्मि के चांसेस बहुत कम है जाने के, हालांकि रश्मि भी कुछ खास कर नहीं रही थी, लेकिन अब नॉमिनेट होने के बाद से काफ़ी हाथ पैर वो भी मार रही हैं। तो रश्मि जब से हाथ पैर मार रही हैं, हिसाब से लगता है कि रश्मि अभी नहीं जाएंगी, लेकिन जो तलवार है इन चार लोगों पर ज़रूर अटकी हुई है। आसिम घर में काफ़ी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो उनका भी जाना मुश्किल है घर से। बहरहाल ये तो थी नॉमिनेशन की बात। अब बात करते हैं घर में हो रहे मुद्दों को लेकर। तो हमेशा से ही किचन ड्यूटीज़ को लेकर लड़ाई होती है। खाना कौन बनाएगा, कैसा बना है, क्यों बना है, कितना बना है, ये सारी बातों पर आज लड़ाई हुई। लेकिन माहिरा और रश्मि देसाई के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा पक चुका है, क्योंकि जो भी पक रहा है वो जल गया है और अब इन दोनों की दुश्मनी हो गई है। दुश्मनी की शुरुआत तब हुई थी जब रश्मि ने कमबैक किया था घर के अंदर देबोलिना के साथ, और धीरे धीरे माहिरा को ये जताने की बार बार कोशिश की गई कि भाई हमारी वजह से तू घर में है, हमारी वजह से तू घर में, इसको यूटिलाइज़ कर, इसको अच्छे से रख वगैरह वगैरह। तो माहिरा इसी वजह से घर में थी, ये तो फैक्ट है, लेकिन माहिरा को ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था कि ये बातें वो आकर बोलेंगी, और वो इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई कि मैं उनकी वजह से घर पे हूँ, क्योंकि माहिरा का भी ईगो कम नहीं है, उसका भी ईगो काफ़ी है। इसी वजह से रश्मि और जो माहिरा उनके बीच में लड़ाई हुई। दूसरी जो लड़ाई थी वो थी शहनाज की और आरती की लड़ाई। इस शहनाज आरती की लड़ाई के अंदर शहनाज ही शहनाज को दिखाया गया। कैसे बताते हैं, शहनाज जो है वो रोती हुई नज़र आई, इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की बात पर वो रोती हुई नज़र आई कि सिद्धार्थ ने मुझे नॉमिनेट कर दिया और तुम्हें सेव कर लिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तुझे सेव किया है इसके लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं उसके लिए हर्ट हूँ कि उसने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा यही बात, क्योंकि मैं उसके बारे में हमेशा यही बात सोच रही हूँ, तो वो भी तो मेरे बारे में ये बात सोच सकता है। बस ये दिक्कत थी शहनाज को, और जब आरती उसे मनाने आई तो शहनाज यही बात आरती को कहना चाहती थी, और आरती को ये बात उन्होंने कही भी कि आरती तू मुझसे गलत मत समझना कि मैं कोई तुझसे जेलस हूँ, मैं हर्ट हूँ। लेकिन आरती ने उसे मुद्दा बना लिया कि मैं जेलस बोल रही हूँ क्या तुझे। तो आरती का मुद्दा बनाना हमेशा से तय है। उसके बाद आरती ने बाथरूम ही नहीं छोड़ा, कभी वो बाथरूम में बैठ कर रोई हैं, कभी वो बाथरूम के पास ही सोई हैं, तो किसी के साथ भी नहीं सोई। तो आरती को ये सब करना ऐसा लगा कि सिंपथी गेम जैसा होगा, लेकिन दोस्तों बिग बॉस ने फुटेज नहीं दिखाई, बिग बॉस ने आरती का काट दिया। कैसे, आरती ने इतना कुछ किया, वो सोती रही रोती रही, लेकिन किसी ने कुछ दिखाया ही नहीं। आरती को शायद कहीं ना कहीं लगा होगा कि आधी फुटेज तो गई होगी, सारे दिन से चुपचाप बैठी हूँ रो रही हूँ, तो कोई ना कोई तो होगा सुनने वाला। तो ये चीज़ थी। दूसरे जो लोग हैं वो हैं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज। क्या है आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज में? सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज काफ़ी अच्छा बॉन्ड इन्होंने शेयर किया है घर के अंदर, लोगों को इनका बॉन्ड बहुत पसंद आया है, लेकिन दोस्तों क्या ये वर्थ इट है? क्योंकि जितनी लड़ाई करते हैं उससे कम बार ही तो बॉन्ड वापस, मतलब बहुत टाइम बाद ये साथ होते हैं, साथ में होते हैं तो एंटरटेनमेंट मिलता है, वाकई में मिलता है। सिद्धार्थ का भी जो माइंड का फेज होता है वो सही होता है, लेकिन सिद्धार्थ का दिमाग भी तब ख़राब होता है जब उसकी आसिम से, शहनाज से बननी बंद हो जाती है, बात करनी बंद हो जाती है। और शहनाज कुछ हरकतें करती भी हैं ऐसे, लेकिन वो अभी तक पूरे गेम शो में सिद्धार्थ के खिलाफ वाकई में नहीं गई हैं। तो ये चीज़ सिद्धार्थ को सोचनी चाहिए भी, और आगे जाके ये शहनाज को उन्होंने धमकी भी दे दी है कि भाई आ, तुझे तो मैं बाहर जाने का जो है, मैं तेरे टच में भी नहीं रहूँगा, मैं तुझसे बात करना भी पसंद नहीं करूँगा। तो ये बातें तो पहले ही बोल दी है सिद्धार्थ ने, और सिद्धार्थ को शहनाज की कुछ चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। वो कुछ चीज़ों में आसिम से बात करना है, इसके अलावा
रश्मि से बात करना है। और सिद्धार्थ तो रश्मि के रिश्तों पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे इतने जल्दी चेंज हो जा रहे हैं। बहरहाल ये था आज के एपिसोड का रिव्यू। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा रिव्यू। साथ ही साथ ये भी बताएं कि नॉमिनेटेड हुए सदस्यों में से आपका फेवरेट सदस्य कौन है और आप किसे बचाएंगे इस बार। कमेंट ज़रूर करें, वोट पे जाके वोट भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।